बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बायजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। दोए भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोस धनी धाम, ए खेल देख्या सैया सवन, हम खेले धनी भेले आनंद घन, बाल चरित्र लीला जोवन, कई विध स्नेह किए सैयन, कई लिए प्रेम विलास जो सुख, सो केते कहूँ या मुख, सो केते कहूँ या मुख, बाल चरित्र लीला जोवन। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 121वें दिवस तथा यह प्रकटवाणी विषय प्रसंग का 13वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु प्रसंग को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। प्रकटवाणी विषय अंतर्गत अब तक हमने चौपाई नंबर 24 तक चर्चा किया, आज हम चौपाई नंबर 25 से विषय प्रसंग को प्रारंभ कर रहे हैं। तो चौपाई नंबर 25 में महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, बाल चरित्र लीला जोवन, कई विध स्नेह किए सैयन, कई लिए प्रेम विलास जो सुख, सो केते कहूँ या मुख। तो विषय प्रसंग ब्रजमंडल की लीला प्रसंग चल रहा है। तो ये ब्रजमंडल सूत्र अंतर्गत अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धाम धनी की आवेश शक्ति, अक्षर की आत्मा यानी कि अक्षर की सुरता को माध्यम बना करके दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर किस तरह से प्रकट हुए, ये श्री कृष्ण जी प्राकट्य प्रसंग के विषय में चर्चा हुई, जिसमें तीन शक्ति, भगवान विष्णु की शक्ति, अक्षर की सुरता अथवा अक्षर की वृत्ति जिसे गौलोकीय शक्ति भी कहा है, और अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के आवेश शक्ति, ये तीनों शक्ति श्री कृष्ण जी के अंदर है। इसी तरह से हमने ये भी कहा है कि राधा रानी के अंदर भी तीन शक्ति ही समझना पड़ेगा। ब्रज वधु के रूप में परमधाम की ब्रह्मात्माओं की सुरता अवतरण हुए, और अक्षरधाम से 24,000 अक्षर की वृत्ति ब्रजमंडल में कुमारी का सखी के रूप में अवतरण हुए। तो ये सारे प्रसंगों के ऊपर चर्चा किया, और जैसे कि ये चौपाई नंबर 24 के चौथे चरण में हम खेले धनी भेले आनंद घन, इस चरण का अर्थ करते हुए चिंतन करते हुए हम कल भी चर्चा कर रहे थे। तो ये खेले मतलब 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रजमंडल में धनी के साथ में हम आत्माएं खेले, मतलब वो ब्रज लीला के सुख को अनुभव किया। तो हम मतलब हम परमधाम की आत्मा जो ब्रज वधु के रूप में अभी उपस्थित हुए हैं। अब यहां परमधाम की सुरता यानी कि परमधाम से आत्माएं यहां संसार में आए ब्रजमंडल में, तो सभी आत्मा ब्रज वधु के रूप में क्यों आए, और अक्षरधाम से आए हुए जो सुरता कुमारी का सखे के रूप में यानी कि उन ब्रज वधुओं के घर में बेटी के रूप में ही क्यों आए, ये भी थोड़ा विचारणीय बात है। तो परमधाम से हम आत्माओं ने अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज जी के साथ में वियोग का खेल देखने के लिए
दुख का खेल देखने के लिए मांग किया। तो यहां संसार में सबसे ज्यादा मर्यादा का बंधन होता है तो बहुओं को, जो ब्रज बधु कहा ना, ब्रजमंडल के बहुएं। इसीलिए ये परमधाम की आत्माओं को सर्वप्रथम ब्रजमंडल में उतारा तो ब्रज बधु के रूप में उतारा, जिसको संसार के विभिन्न प्रकार के मर्यादा का बंधन रहता है। और कुमारी का सखी के अंदर अक्षरधाम की शुरता है, तो अक्षरधाम के शुरता को एक सेविका के रूप में, जैसे जागनी के ब्रह्मांड की भाषा से कहे तो ये अक्षरधाम से आए हुए शुरता को ईश्वरीय सृष्टि कहा है, और ईश्वरीय सृष्टि के संदर्भ में प्राण्यास जी ने ही वाणी में कहा रखोपारोह कारण, ब्रह्म सृष्टियों के सुरक्षा के निमित्त हजूरी के रूप में, सेविका के रूप में ये अक्षर की वृत्ति ब्रजमंडल में कुमारिका सखी, जागनी के ब्रह्मांड में ईश्वरी सृष्टि के नाम से जो जाने जाते हैं, इन्हें खेल के बीच में उतारा है। क्योंकि वैसे भी घर में व्यवहार में देखिए, एक माँ को अपनी बेटी जितना सहयोग करती है, माँ की इस तरह से सहयोग नहीं करते। इसलिए परमधाम के श्रोताओं को तो ब्रज बधु के रूप में अवतरण कराया। अब हर प्रकार के मर्यादा के बंधन में ये आत्माएं हैं, होते हुए भी थोड़ा सा दायां बायां से हेल्प करने वाले, सहयोग करने वाले इन कुमारिका यानी कि बेटियां, इनके अंदर अक्षरधाम की श्रोता को अवतरण कराया गया। तो ये भी हमें विचार करने की बात है। और जैसे ही ये सारे शक्ति ब्रजमंडल में अवतरण हुए, अब पूरा ब्रजमंडल में, जैसे कि हम कल भी बोल रहे थे, 11 वर्ष 52 दिन तक लीला होती है, जिसे ब्रज लीला कहा है। अब उसको बिल्कुल ही सार रूप में महामति प्राण्यास जी यहां कुछ चौपाई के माध्यम से चिंतन कराते हैं। तो ये चौपाई नंबर 25 जो आज हमने प्रारंभ में उच्चारण किया, यहां पर ब्रजमंडल के अंदर श्री कृष्ण जी की लीला, उनके चरित्र, और श्री कृष्ण जी के साथ में हम आत्माएं किस भाव से, किस तरह से वो प्रेममय लीला करते थे, ये भाव को यहां दर्शाया है। तो कहा बाल चरित्र लीला जोवन, श्री कृष्ण जी के विषय में बात हो रही है। ब्रजमंडल 11 वर्ष 52 दिन की लीला के अंदर श्री कृष्ण जी के चरित्र कैसे हैं? बालक के जैसे, बाल चरित्र। और वो बाल चरित्र के अंदर ही लीला, कौन सी लीला कर रहे हैं? जोवन, जोवन मतलब यौवन यानी कि किशोर लीला। कहने का अर्थ, चरित्र देखते समय श्री कृष्ण जी के बाल चरित्र है, बालक की तरह, परंतु लीला को चिंतन करें, लीला को देखें तो लीला किशोर लीला है। और ये किशोर लीला के अंदर कई विध स्नेह किए सयन कहा, कई विध, कई प्रकार से स्नेह मतलब प्रेम, किए मतलब किया, शयन मतलब शयों के साथ में, किसने? श्री कृष्ण जी ने कई प्रकार से शयों के साथ में प्रेम यानी कि स्नेह किया। तो शयन कौन है? शयन मतलब ब्रज बधु के रूप में परमधाम से आई हुई वो शुरता, वो आत्मा, जिन्हें शय्या शब्द के द्वारा, ब्रज बधु शब्द के द्वारा, और ब्रह्म सृष्टि भी कहा है, और उन्हीं आत्माओं को यहां शयन शब्द कहा। तो शयन मतलब सखी। तो श्री कृष्ण जी ने इन सखियों के साथ में ब्रजमंडल में कई प्रकार के प्रेममय लीला किए, कई विध स्नेह किए शयन।
अब बाल चरित्र लीला जोवन कहा, तो ये जोवन लीला यानी कि किशोर लीला के अंदर संयोग के साथ में स्नेह यानी कि प्रेम लीला करने की बात हुई। तो ये बाल चरित्र और लीला जोवन इसको हम और थोड़ा कुछ चिंतन करें, चर्चा करें। तो श्री कृष्ण जी की लीला जो 11 वर्ष 52 दिन की ब्रज लीला की विषय में हम चिंतन कर रहे हैं, तो जैसे कि हमने कल ही श्री कृष्ण जी के अंदर के शक्ति के विषय में चर्चा किया, तो यहाँ के वजूद यानी कि शरीर का नाम भी कृष्ण है और अंदर शक्ति के हिसाब से देखते समय भी तीन शक्ति है, अक्षरातीत शक्ति, अक्षर अथवा गौलोकीय शक्ति और वैकुंठ की विष्णु शक्ति। अब ये 11 वर्ष 52 दिन के अंदर की लीला में मुख्यतः अक्षरातीत की लीला है। जैसे उदाहरण के रूप में हमने मोमबत्ती का प्रकाश, ट्यूबलाइट का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश करके बताया है, तो जब सूर्य का प्रकाश है तो उस समय में उसी का पावर ज्यादा होता है, वो स्वाभाविक बात है। ऐसे ही विष्णु की शक्ति, गौलो की शक्ति और अक्षरातीत की शक्ति में, अब अक्षरातीत की शक्ति मुख्य रूप में होने से ये शक्ति के द्वारा ही ज्यादा से ज्यादा लीला होती है। होते हुए भी गौल की शक्ति भी अपने ही प्रकार से उसी 11 वर्ष 52 दिन के अंदर लीला कर रहे हैं और उसी के अंदर वैकुंठ के विष्णु शक्ति के द्वारा भी अपने ही प्रकार की लीला हो रही है। मैं फिर भी कहता हूं तीनों शक्ति ने कहां कहां क्या क्या लीला किस तरह से किए, ये हमने श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग में चर्चा करके आए हैं। होते हुए भी यहां चौपाई के साथ में जा रहे हैं तो उसी बात को मैं फिर जोड़ रहा हूं। तो सार रूप में देखें तो ये तीनों शक्ति की अलग अलग लीला भेद को हम देखें तो 11 वर्ष 52 दिन के अंदर जितने भी राक्षसों का उद्धार हुआ, राक्षसों का वध हुआ, ये भगवान विष्णु की शक्ति के द्वारा की हुई लीला है। और ग्वाल वालों के साथ में ये बाल लीला करना, ये गौलोकीय शक्ति की लीला है। और सखियों के साथ में, सखी यानी कि ब्रजवधुएं, इन आत्माओं के साथ में प्रेममय लीला करना, ये अक्षरातीत की लीला है। और वही प्रेममय लीला को यहां ये दूसरे चरण में कई विध स्नेह किए सयन शब्द प्रयोग किया, कई प्रकार से स्नेह मतलब प्रेममय लीला, शयन मतलब संयों के साथ में किया, परमधाम से आई हुई आत्माओं के साथ में किया, तो ये अक्षरातीत की लीला है। अब इसमें भी और हम चिंतन करें, क्योंकि यहां बाल चरित्र कहा, लीला जोवन कहा, चरित्र उनके बालक के जैसे है और लीला जोवन लीला है। तो बालक के जैसे चरित्र होना, ये गौलोकीय शक्ति के द्वारा लीला हो रही है और उसी के अंदर लीला जोवन मतलब अक्षरातीत की लीला हो रही है। अब इसमें देखें वो जोवन लीला करने वाले यानी कि किशोर लीला करने वाले शक्ति के भी चरित्र देखते समय बालक के जैसे होने का अर्थ क्या है? जैसे कि हमने कहा अक्षरातीत के आवेश ने यानी कि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी ने सखियों के साथ में यानी ब्रज वधुओं के साथ में स्नेह प्रेममय लीला किए। अब यही प्रेममय लीला के साथ में संबंधित ब्रजमंडल के सारी लीलाओं में से एक मुख्य लीला, अत्यंत आनंददायी और चर्चित लीला, दही माखन चोरी लीला। सब कोई
ये दही माखन चोरी लीला प्रसंग को बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं, सुनते हैं। ये दही माखन चोरी लीला जो है ये अक्षरातीत की लीला है। अब देखिए यहां बालचरित्र लीला जो वन कहा उसको हम कैसे समझे। श्री कृष्ण जी के चरित्र को देखिए तो दूसरों के घर में जाना, दही चोरी करना, माखन चोरी करना और पता नहीं क्या क्या काम बिगाड़ देते हैं, बदमाशी करते हैं, ये बालक के जैसे चरित्र है। अलवेला कहा ना श्री कृष्ण जी को, उनको कहीं जाने में कुछ करने में कोई उसको रोक नहीं सकते, वो बालक के जैसे चरित्र है वो। और जैसे यही ब्रजमंडल की लीला प्रसंग के अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण लीला जो महामती प्राणनाथ जी ने वाणी के अंदर चर्चा किया है, दान लीला। दान लीला मतलब गोकुल के ये सखियां यानी कि ब्रजवधुएं दही माखन तैयार करके ये दही माखन बेचने के लिए मथुरा के तरफ जाते हैं। तो उस समय में श्री कृष्ण जी बीच में कभी रास्ता रोक लेते हैं, कभी कहीं रास्ता के किनारे में कहीं छुप करके बैठते हैं और पीछे से पत्थर मार देते हैं और जबरदस्त वो दही माखन को छीन लेते हैं। तो इस प्रकार की जो एक व्यवहार देखते समय ये बालक के जैसे व्यवहार है और वो इतना हठी है, इतना जिद करते हैं, ये बालक के जैसे चरित्र है। जैसे बाल हठ कहा है ना, सखियों को दुख देते हैं, सताते हैं, जैसे कहा ना घर घर में जा करके माखन को चोरी करना, दान लीला के प्रसंग में वो माखन के मड़का को तोड़ना फोड़ना, ये बाल चरित्र। और विशेष करके उसमें भी देखें दही माखन चोरी करने के लिए जब जाते हैं तो साथ में ग्वालवाल है और एक तरफ कहा ग्वालवालों के साथ में जो भी लीला हुई है ये गौलू की शक्ति की लीला करके कहा है। गौलू की शक्ति की लीला मतलब अक्षर लीला और अक्षर वैसे भी बाल लीला करने वाले हैं। तो ग्वालवाल के साथ में लीला की प्रस्तुति को देखते समय श्री कृष्ण जी की लीला में ये चरित्र बाल चरित्र है, परंतु वही बाल चरित्र के अंदर वो लीला करते हैं तो जोवन यानी कि किशोर लीला करते हैं, ये हर कोई समझ नहीं सकते। अब इसको तो मैं थोड़ा संकेत रूप में यहां चौपाय में जो आया है उसी को थोड़ा कुछ खुलासा करने का प्रयास कर रहा हूं। इसके लिए महामती प्राणनाथ जी ने वाणी के अंदर ही ये श्री कृष्ण जी के चरित्र बाल चरित्र किस तरह से हैं और वो जोवन लीला यानी कि किशोर लीला किस तरह से करते हैं इस विषय में और खुलासा करके वर्णन किया है, उसी का कुछ नमूना हम यहां देखें। तो जैसे कि कहा दान लीला के प्रसंग में मटका फुटा देते हैं, जबरदस्त दही माखन छीन लेते हैं। शुरू शुरू में तो इन सखियों को बहुत ही दुख कष्ट हुआ। अब गोकुल से दही माखन ले जा करके मथुरा में जाकर वो बिक्री करके अब अपने को जो जरूरत का सामग्री है वो लेकर के वापस गोकुल घर में आते थे, ये रीति है। अब श्री कृष्ण जी बीच में ही दही माखन का मटका तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं और माखन छीन करके खा देते हैं, सखियां खाली हाथ हो गई। अब सखियों को चिंता होती थी कि अब शाम को घर जाते समय क्या लेके जाएं, अब घर वालों को क्या कहे। लेकिन वो ऐसे कृपावान थे
जब सखियां शाम को घर वापस आने का समय होता था तो जिन जिन सखियों को जो जो जरूरत का सामग्री होता था वो स्वयं श्री कृष्ण जी ही उपलब्ध करा देते थे। ये दान लीला के अंदर की बात है। और इस तरह से दिन प्रतिदिन लीला होते होते अब तो सखियों को भी आदत पड़ने लगा। शुरू शुरू में ये भय रहता था कि किस तरह से श्री कृष्ण जी से बच करके हम मथुरा तरफ जाएं। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद अब सखियों को दही माखन बेचने के लिए मथुरा जाने की तो एक बहाना मिल गया। अब तो दही माखन लेकर के घर से निकले, मथुरा की तरफ जा तो रहे हैं, रास्ता को तो पकड़ लिया, लेकिन सखियों की चिंतन श्री कृष्ण जी कब आएंगे, कहां से आएंगे, किस गली में वो रास्ता रोकने के लिए बैठे हुए हैं, कहां से कब पत्थर मारेंगे, पूरा इस तरफ चिंतन होने लगी। और जैसे श्री कृष्ण जी आते हैं, रास्ता रोकते हैं और सखियों के साथ में झगड़ते भी हैं, मड़का तोड़ फोड़ कर देते हैं, और कई बार दही माखन की मड़का छीन लिया और अपने हाथ से वो दही माखन की मड़का ग्वाल वाल के हाथ में दे देते हैं। अब सखियां श्री कृष्ण जी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि चोर का सरदार तो श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण जी को पकड़ लिया, उसी मौके में ग्वाल वाल दही माखन लेकर के भागते हैं और उधर ग्वाल वाल सब मिलकर के दही माखन खाने में मस्त है और इधर सखियां श्री कृष्ण जी को पकड़ करके रखते हैं, फिर बाद में वनों में जाकर के आनंद भरी प्रेम भरी लीला करते हैं, विलास करते हैं, ये वर्णन किया है। तो देखिए, तो ये चरित्र बाल चरित्र है, परंतु यहां लीला सखियों के साथ में जो लीला हो रही है ये किशोर लीला है। इसीलिए कहा लीला जोवन, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत गहरी भाव प्रसंग है, जिसके लिए मैंने जैसे कहा वाणी के अंदर अन्य जगह में भी कुछ चिंतन कराया है, वहां से भी और गहराई से हम चिंतन कर सकते हैं। अब ये प्रेममय लीला है, आनंदमय लीला है, इसको थोड़ा कुछ संकेत के द्वारा ही हम एक चिंतन का सूत्र ले सकते हैं। बाकी अपने अपने भाव के हिसाब से, अपने अपने समझ के हिसाब से, अपने अपने पात्रता के हिसाब से चिंतन करने का और हृदय में महसूस करने की बात होती है। लेकिन सार रूप में कहें तो श्री कृष्ण जी की ब्रज लीला में उनकी पूरी तरह से चरित्र बालक के जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन वही बालक के चरित्र के अंदर ही लीला जोवन लीला है, किशोर लीला है। हालांकि किशोर स्वरूप में होकर के किशोर लीला उन्होंने ये 11 वर्ष 52 दिन की ब्रज लीला पूरी होने के पश्चात वृंदावन में रसरास लीला किए, जो प्रसंग आगे हम चर्चा करेंगे चौपाय के माध्यम से ही, वो किशोर लीला है। और परमधाम की लीला को तो किशोर लीला कहा ही है, लेकिन ब्रजमंडल के अंदर वो बालक होते हुए 11 वर्ष 52 दिन तक लीला किए करके हम बार बार बोल रहे हैं, तो 11 वर्ष तक की उम्र कैसे होते हैं, वैसे देखने से ही वो बालक है। इसीलिए उनके चरित्र स्वतः बालक की तरह है, परंतु लीला जोवन। और ये जोवन यानी कि किशोर लीला के अंदर कई विध स्नेह किए सही है, कई प्रकार से शब्द प्रयोग किया प्रज्ञा जी ने। अब ये कई विध शब्द के अंदर सारी लीला समा जाता है। अब एक एक लीला को यहां डिटेल वर्णन नहीं किया है, जो प्रसंग हमने कल भी सार रूप में चिंतन करने का सूत्र बताया है। अब श्री कृष्ण लीला की विस्तृत जानकारी के लिए भागवत के माध्यम से भी हम चिंतन कर सकते हैं, नरसिंह के वचन को देखो करके प्राणनाथ जी ने ही कहा। इसलिए ये कई विध स्नेह किए सही न, संयों के साथ में कई प्रकार के प्रेम भरी लीला किया करके थोड़ा सा संकेत ही बताया। और आगे कहते हैं कई लिए प्रेम विलास जो सुख, कई प्रकार के
लीला के माध्यम से कई प्रकार की सुख हम आत्माओं ने लिया। यहाँ के शब्द के हिसाब से देखे तो कई मतलब कईयों, लिए मतलब लिया, प्रेम प्रेममय विलास वो आनंद लीला के माध्यम से जो सुख को लिया, प्रेममय लीला के माध्यम से वो आनंदमय लीला के माध्यम से वो आनंद वो सुख को हमने लिया, अनुभव किया। अब आगे स्वयं कहते हैं प्राणनाथ जी, सुख केते कहो या मुख, उस लीला के सुख को उस आनंद को मैं इस मुख से यानी कि जुवान से शब्द में प्रकट करके कहां तक वर्णन करूं। ऊपर विलास शब्द आया ना, विलास मतलब आनंद, विलास। अब ये आनंद विषय जो है इसको शब्द में वर्णन करना प्रकट करना ये संभव ही नहीं है। इसीलिए हमने पहले ही आनंद विषय में थोड़ा कुछ चर्चा करते हुए क्या कहा है, आनंद मतलब घृत स्वादवत आत्मानुभव गम्य व्याख्यान रहित आनंद, जो स्वयं आत्मा उसको अनुभव कर सकती है परंतु उसको शब्द में व्याख्या नहीं कर सकती। अब 11 वर्ष 52 दिन के अंदर कैसे कैसे लीला के माध्यम से आत्माओं ने कितने अधिक से अधिक आनंद का अनुभव किया, उसको किस शब्द में किस जुआन से वर्णन करें। इसीलिए कहा सो केते कहो या मुख, उस सुख को उस आनंद को इस मुख से कहां तक वर्णन करो। अब उसके पश्चात चौपाई नंबर 26 में कहते हैं, ये काल माया में विलास जो करे सो पूरी निद में सब बिसरे, पूरी निद को जो सुपन्न काल माया नाम धराया तिन्न। तो कहा ये काल माया में विलास जो करे, तो अभी तक जो लीला प्रसंग वर्णन किया यानी कि जिसको ब्रजलीला कहा, जो 11 वर्ष 52 दिन की समय अवधि के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो ये ब्रजमंडल की लीला को स्वयं महामति प्राणनाथ जी ने कालमाया के ब्रह्मांड यानी कि कालमाया की लीला शब्द प्रयोग किया। तो यहां देखिए ये मतलब ये ब्रजलीला कालमाया में विलास जो करे, काल माया के ब्रह्मांड में विलास जो करे, विलास मतलब वो आनंद विलास करना। और ये काल माया के ब्रह्मांड शब्द आते ही अब हमें यहीं से चिंतन करना होता है, तारतम्य दृष्टि पर हम आत्माओं ने ये खेल के बीच में तीन ब्रह्मांड में तीन अवस्था की लीला अनुभव किया। तो तीन ब्रह्मांड के संदर्भ में तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, ब्रज रास और जागनी। और ये ब्रज रास जागनी तीन ब्रह्मांड में से पहला ब्रह्मांड ब्रज, जिसको काल माया का ब्रह्मांड कहा, और दूसरे ब्रह्मांड यानी कि दूसरी लीला रास लीला, तो रास लीला को योग माया का ब्रह्मांड कहा है, और तीसरी लीला जागनी लीला जिसे जागनी का ब्रह्मांड कहा। इस तरह से ब्रज कालमाया, रास योग माया और जागनी जागनी, तो तीन ब्रह्मांड अलग अलग तीन नाम से बताया। उसमें यहां ब्रजमंडल की लीला की बात हो रही है तो उसके लिए कहा ये काल माया में विलास जो करे, काल माया के ब्रह्मांड में हम आत्माओं ने विलास किया, इस तरह से ब्रज को काल माया कहा। अब दूसरे चरण में कहते हैं सो पूरी निद में सब बिसरे,
पूरी नींद, तो ब्रजमंडल कालमाया के ब्रह्मांड को अवस्था के हिसाब से पूरी नींद शब्द प्रयोग किया। पूरी नींद मतलब घोर नींद, पूर्ण नींद में सब विसरे, सब भूल गए। और इस चौपाई को एक बार हम पूरा भाव को देखें तो ये दूसरे चरण में पूरी नींद को सब विसरे, पूरा निद्रा में सब भूल गए करके कहा। तीसरे चरण में कहते हैं पूरी नींद को जो सुपन्न, पूरा निद्रा ब्रजमंडल की अवस्था, और फिर इसको सुपन्न शब्द भी आया, पूरी नींद को जो सुपन्न। तो यहां सपना शब्द किस अर्थ में लेना है? ये सारा सृष्टि अक्षर ब्रह्म के सपना का है। ये तो हमने सृष्टि कॉन्सेप्ट के प्रसंग में चर्चा किया है, ये संपूर्ण सृष्टि अक्षर ब्रह्म का सपना का सृष्टि है। और दूसरे भाव से भी यहां सपना शब्द को लें तो परमधाम से हम ब्रह्मात्माएं सर्वप्रथम ब्रजमंडल में आए, तो आत्माओं के ब्रजमंडल के अवतरण के प्रसंग में स्वयं महामति प्राणनाथ जी ने चौपाई में क्या कहा? ज्यो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रज बधु जन। जिस तरह से निद्रा में हम सपना देखते हैं उसी तरह से हम आत्माएं ब्रजमंडल में ब्रज के बधु के रूप में आए। इस तरह से आत्माओं के खेल में अवतरण के प्रसंग में भी सपना का उदाहरण दिया है। मतलब जिस तरह से सपना में जाते समय जागृत का शरीर जागृत के ब्रह्मांड में ही होते हैं परंतु वो अभी निष्क्रिय है, और वो जागृत की ही एक अंश शक्ति सपना में जाकर के सपना का देह धारण करते हैं और वो सपना में एक्टिव होता है, इसी तरह से ब्रह्मात्माओं की परात्मा शरीर परमधाम मूल मिलाव में ही है लेकिन वो अभी निष्क्रिय है। शूरता रूप में यहां संसार में आकर के ब्रज बधुओं के अंदर प्रवेश हुआ, तो अब ये शूरता ब्रज बधु के रूप में रह करके यहां खेल में एक्टिव हुआ। तो इसको समझाने के लिए जीव नींद में देखिए सुपन्न यो उपजे हम ब्रज बधु जन कहा। तो सपना शब्द को हम दोनों तरफ से देखें, एक तरफ सारा सृष्टि ही अक्षर ब्रह्म के सपना का है तो इस अर्थ में भी ले, तो भी अक्षर ब्रह्म के स्वप्निक रूप सृष्टि के अंदर ब्रजमंडल की लीला जिसे काल माया का ब्रह्मांड कहा, तो ये काल माया के ब्रह्मांड के अंदर आत्माओं की स्थिति पूरी नींद की स्थिति है। पूरी नींद मतलब घोर नींद, पूरी तरह से भूल जाना। तो ये पूरा नींद यानी कि घोर नींद का अर्थ क्या है इस विषय में और आगे हम खुलासा करेंगे, परंतु मैं यहां एक ही चरण में नींद शब्द भी आया और सुपना शब्द भी आया। तो यहां नींद की अर्थ में और सुपना की अर्थ में इसको अंतर बताने के लिए मैं ये बात बता रहा हूं। तो यहां नींद मतलब ब्रह्मात्माओं की स्थिति ब्रजमंडल में कालमाया के ब्रह्मांड में पूरी नींद में है, वो घोर नींद में। लेकिन पूरी नींद को जो सुपन्न करके सपना शब्द प्रयोग किया। अब इसी में बता दो, जैसे कि पहले हमने कहा तीन ब्रह्मांड ब्रज रास और जागनी, यानी कि कालमाया का ब्रह्मांड, योगमाया का ब्रह्मांड और जागनी के ब्रह्मांड, ये तीनों ब्रह्मांड की तीन अवस्था है। तो तीन ब्रह्मांड की तीन अवस्था क्या क्या है? ब्रज कालमाया का अवस्था है घोर नींद। घोर नींद मतलब जिसको यहां पर पूरी नींद शब्द प्रयोग किया। और रास योग माया का ब्रह्मांड, ये है स्वप्न अवस्था। और
ये तीसरे ब्रह्मांड जागरणी के ब्रह्मांड जहां पर जागरणी लीला हुई, तो ये जागरणी के ब्रह्मांड में जागृत अवस्था। तो इस तरह से ब्रज को घोर नींद, रास को स्वप्ना और जागरणी को जागृत अवस्था करके तीन ब्रह्मांड की तीन लीला को तीन अवस्था के रूप में बताया है। तो इस अर्थ में देखें तो सुपन यानी कि स्वप्न अवस्था तो रास है, परंतु यहां सीधा देखते समय पूरी नींद को जो सुपन करके पूरी नींद के साथ में स्वप्न शब्द भी आया, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं पूरी नींद मतलब ब्रजमंडल की अवस्था घोर नींद, और यहां सुपना शब्द आया इसीलिए कि अक्षर ब्रह्म के स्वप्निक जगत के अंदर ये ब्रजमंडल में काल माया की लीला हुई है। इस अर्थ में भी सुपना और आत्मा सुरता रूप में खेल में आई, तो कैसी अवस्था में आई, ज्यों नींद में देखिए सुपन्न यों उपजे हम ब्रज वधु जन। जिस तरह से निद्रा में सपना देखते हैं उसी तरह से आत्माएं ब्रज वधु की रूप में खेल में संसार में आए, इस अर्थ में सुपन्न शब्द को लेना होगा। और पूरी नींद मतलब ब्रजमंडल की अवस्था जिसके लिए घोर नींद कहा, और ये पूरी नींद के अंदर यानी कि घोर नींद के अंदर जो ब्रज लीला हुई इसके लिए आगे चौथे चरण में फिर कहते हैं काल माया नाम धराया तीन। काल माया नाम धराया है, तीन मतलब उसको मतलब पूरी नींद के अंदर जो लीला हुई यानी कि ब्रज लीला, तो ब्रज लीला को काल माया की लीला कहा। तो देखिए तो ये 26 नंबर चौपाई में पहला चरण में भी ये काल माया में विलास जो करे करके काल माया शब्द आया, फिर यही 26 नंबर चौपाई के चौथा चरण में काल माया नाम धराया तीन, उसको काल माया नाम धराया है करके दूसरी बार फिर काल माया नाम आया। इसका अर्थ ब्रजमंडल को काल माया का ब्रह्मांड कहते हैं, और ये काल माया के ब्रह्मांड के अंदर आत्माओं की अवस्था पूरी नींद शब्द प्रयोग किया, और पूरी नींद में सब विसरे कहा। सब विसरे तो क्या विसरे, परम धाम में प्रेम संवाद के समय में अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने हमें क्या क्या कहा था, जब हम आत्माओं ने खेल देखने के लिए मांग किया तो राजी महाराज ने हमें बार बार मना किया, संसार खेल जगन्नाटक भूलनमय है, अपने आप को भूलोगे, धनी को भूलोगे, धाम को भूलोगे, बार बार कहा था। तो हम आत्माओं ने नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे करके अपनी जिद को पकड़ते रहे, 100 बार देखो अजमाए के, 100 बार तक हमारा परीक्षा करके देखिए हम भूलेंगे नहीं करके राज्य के साथ में तर्क करते रहे। 100 बार की परीक्षा की क्या बात, एक की बार में जैसे ही आत्मा परम धाम से सुरतार रूप में ब्रजमंडल में आए, बस अंकुर परम धाम के होने के कारण वो अंकुर के बल पर श्री कृष्ण जी में कुर्बान है, समर्पित है। बाकी समझ के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सब विसरे, सब भूल गया, ब्रजमंडल से कुछ शुद्धि नहीं है। इस विषय में हमने पहले भी चर्चा किया है, ब्रजमंडल में तारतम नहीं था, तारतम न होने से संबंध का ज्ञान नहीं है, संबंध का ज्ञान नहीं है मतलब न अपने आप को जान सका, न धनी को जान सका, न अपना मूल घर परमधाम को जान सका। तो ये सब प्रकार से भूलना इसके लिए कहा यहां सब विसरे,
तो शव विसरण यानी कि शव भूलना, उसको पूरी नींद शब्द प्रयोग किया। अब ये पूरी नींद जहां सब कुछ भूल गए, इस हिसाब से ब्रजमंडल की अवस्था के विषय में चर्चा हुई और इसको काल माया का ब्रह्मांड के नाम से बताया। तो ये काल माया शब्द के साथ में ही जोड़ करके हमने तीन ब्रह्मांड का ही नाम और तीन ही ब्रह्मांड के अवस्था के विषय में भी बात किया कि ये ब्रजमंडल काल माया है, तो रास योग माया और जागनी तो जागनी हो गया। और इसकी तीन ब्रह्मांड की तीन अवस्था ही है, उसमें ब्रज को पूरी नींद कहा, पूरी नींद मतलब घोर नींद, और रास, वैसे रास लीला की प्रसंग चौपाय में आगे आने वाला है, और उसके बाद फिर तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड भी ये प्रकटवाणी के चौपाय प्रसंग ही आगे वर्णन करेंगे। लेकिन यहां यही शब्द को आधार बना करके, यानी कि पूरी नींद शब्द प्रयोग किया ब्रजमंडल की अवस्था के लिए, तो इसी को आधार बना करके हम तीन ब्रह्मांड के ही अवस्था को देखें तो ब्रजमंडल पूरी नींद यानी कि घोर नींद, रासमंडल जिसे योग माया का ब्रह्मांड कहा ये स्वप्ना अवस्था है, और ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड की जागृत अवस्था है। तो इस तरह से घोर नींद, स्वप्न और जागृत, ये तीन अवस्था तीन ब्रह्मांड के। अब ब्रजमंडल की अवस्था पूरी नींद यानी कि घोर नींद किस अर्थ में, पहले हम इसके ऊपर चिंतन करें, उसके बाद फिर साथ में रास की अवस्था को स्वप्नावस्था कहा। तो पहले स्वप्नावस्था की परिभाषा क्या है और रास की अवस्था स्वप्नावस्था किस अर्थ में, फिर तीसरे ब्रह्मांड जागने की ब्रह्मांड जहां जागृत अवस्था, तो इस विषय में भी हम सार रूप में चिंतन करें। तो ब्रजमंडल के लिए काल माया कहा और पूरी नींद में शब बिसरे करके पूरा नींद्रा शब्द प्रयोग किया, और शब बिसरे में तो जैसे कहा हमने प्रेम संवाद के समय में धनी के साथ में जो भी वादा किया था वो शब ब्रजमंडल में भूल गए। पूरी नींद मतलब घोर नींद। अब हम ब्रजमंडल की अवस्था को पूरी नींद यानी कि घोर नींद अवस्था क्यों कहा, इस विषय में थोड़ा सा चर्चा करें। ब्रजमंडल में होते समय तारतम न होने के कारण सन्मंद का परिचय नहीं है, सन्मंद की शुद्धि नहीं है, इस विषय में हमने पहले भी चर्चा करके आए हैं। पहले कब, जब ब्रह्मात्माओं की शुरता खेल में उतरे तो चौपाय ने कहा उपजत ही मन आशा घनी हम कब मिले से अपनी धनी करके, खेल में उतरते ही आत्माओं के हृदय के अंदर ऐसी भाव प्रकट हुई, ये प्यास जागृत हुई कि हम कब मिले से अपनी धनी। तो ये शब्द के ऊपर चर्चा करते हुए हमने कहा इसका मतलब क्या, इन सखियों को नंद बाबा के घर में लाला के रूप में जो आए हैं वो हमारे धनी है, हम परमधाम से आए हुए सुरता है, ये शुद्धि है, ये जानकारी है नहीं। अगर नहीं है तो फिर हम कव्य मिल से अपने धनी करके ये भाव कैसे प्रकट हुई, और समग्र में 11 वर्ष 52 दिन की ब्रज लीला के अंदर सारी लीलाओं को देखते समय सखियां श्री कृष्ण जी के प्रति इतने कुर्बान है, इतने समर्पित है और इतने अधिक प्रेम करते हैं
तो ये कैसे संभव होगा? तो इसके लिए हमने 21 शब्द में कहा है अंकुर के बल पर। अंकुर परमधाम के है, सिर्फ वो अंकुर परमधाम के होने के कारण ही ये सखियां यानी कि ब्रज वधुएं श्री कृष्ण जी में इतना समर्पित है। बाकी सनमंद की शुद्धि के विषय में अगर बात करें तो सनमंद का शुद्धि कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रजमंडल में तारतम नहीं है, तो ये तारतम न होने के कारण सनमंद का परिचय नहीं है। सनमंद का परिचय न होना, ये प्रेम तो प्रेम ही है परंतु इसको लक्ष्य बिना का प्रेम कहा है। इसीलिए प्राणनाथ जी ने वाणी में क्या कहा, ब्रह्म सृष्टि हुति ब्रजरास में प्रेम हो तो लक्ष्य बिना कहा। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म सृष्टि हुति ब्रजरास में, ब्रज और रास में ब्रह्म सृष्टियां थी, हुति मतलब थी, प्रेम हो तो प्रेम भी था। अब ब्रह्म सृष्टि के अंदर प्रेम था करके बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस विषय में हमने कई बार चर्चा किया है। ये ब्रह्म सृष्टि यानी कि परमधाम की आत्माएं कौन है? परमात्मा के ही अंग स्वरूप है, जैसे सागर और बूंद अथवा सागर और लहर के संबंध की तरह परमात्मा और आत्मा के संबंध के विषय में हमने चर्चा किया है। तो सागर और बूंद कहने से गुण के हिसाब से चिंतन करें तो सागर में भी H2O, बूंद में भी H2O, ऐसे ही सागर रूप परमात्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप, आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप। और यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रेम के विषय में, तो परमात्मा प्रेम स्वरूप है, तो प्रेम स्वरूप परमात्मा के अंग स्वरूप आत्मा भी प्रेम स्वरूप है। और यही प्रेम स्वरूप आत्माएं ब्रजमंडल में आकर के, रासमंडल में आकर के लीला की है। इसीलिए ब्रह्म सृष्टि हुति ब्रजरास में प्रेम हुतो, ब्रह्म सृष्टियों के साथ में प्रेम हुतो मतलब था, लेकिन आगे कहा लक्ष्य बिना। मैं प्राणनाथ जी के ही चौपाय की बात कर रहा हूं। प्रेम हो तो प्रेम था, लेकिन वो प्रेम कैसा था? कहा लक्ष्य बिना। तो ब्रज रास के प्रेम को लक्ष्य बिना का प्रेम कहा। तो लक्ष्य बिना का प्रेम मतलब अंकुर परमधाम के होने के कारण अंकुर के बल से वो श्री कृष्ण जी में पूर्ण समर्पित है, पूर्ण प्रेम है। लेकिन लक्ष्य बिना का प्रेम का अर्थ लक्ष्य पता नहीं है, मतलब सन्बंध का ज्ञान नहीं है। हम कहां के सन्बंध से, किस भाव से इस तरह से श्री कृष्ण जी में कुर्बान है ये पता नहीं है। तो ये लक्ष्य किसने कब कहां प्रकट किया अथवा जाहिर किया, तो इस विषय में इसी चौपाय में आगे तीसरे चरण में कहते हैं, जो पहला चरण और दूसरे चरण के विषय में हमने कहा ब्रह्म सृष्टि हुति ब्रजरास में प्रेम हो तो लक्ष्य बिना, ये दो चरण है। तीसरे चरण में कहते हैं सो लक्ष्य ल्याए अब्बल को रुह अल्लाह। सो वह लक्ष्य, वो कहां के लक्ष्य का प्रेम है, ये लक्ष्य ल्याए अब्बल को रुह अल्लाह। रुह अल्लाह मतलब सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने लक्ष्य को लाए। तो लक्ष्य मतलब सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने तारतम को प्रकट किया, और ये तारतम ने ब्रजरास में लीला करने वाले सखियों की मूल संबंध कहां का संबंध है, ये लक्ष्य का परिचय दिया। और जागनी के ब्रह्मांड में वही आत्मा जब आए तो तारतम के माध्यम से मूल संबंध का परिचय दे करके
पहचान करा करके वो लक्ष्य युक्त प्रेम को जाहिर किया। इसीलिए कहा सो लक्ष्य ल्याए अब्बल को रूह अल्लाह। रूह अल्लाह सदगुरु स्वरूप ने तारतम के माध्यम से वो लक्ष्य को प्रदान किया। फिर भी आगे कहा पर न था आखरी इलम पुरन, परंतु स्वयं सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को भी आखिरी समय का पूर्ण इलम का समझ नहीं था। क्यों? क्योंकि सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज श्यामाजी स्वरूप है। तो ये आखिरी पूर्ण इलम किसके पास में है? महामति प्राण जी स्वरूप में। कैसे? महामति प्राण जी राज्य के पूर्ण स्वरूप वाले हैं, इसलिए उन्हें हक्की स्वरूप कहा। इसका मतलब हक्की स्वरूप श्री राज्य के द्वारा जो कार्य हुआ इस विषय में श्यामा स्वरूपा सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज जिन्हें रुहल्ला कहा है उनको भी शुद्धि नहीं था। इसलिए कहा सो लक्ष्य ल्याए अब्बल को रूह अल्लाह पर न था आखरी इलम पुरन। आखिर यानी कि अंतिम समय तक में जाहिर होने वाले वो पूर्ण इलम पूर्ण शुद्धि को रूह अल्लाह स्वरूप को भी पता नहीं था, जो हक्की स्वरूप महामति प्राण जी के द्वारा जाहिर हुआ। ये तो चौपाई आते समय चौपाई का सार भाव पूरा बताया है, लेकिन मैंने इस चौपाई को यहां इसीलिए जोड़ा हूं कि ब्रज मंडल की अवस्था को पूरी नींद शब्द प्रयोग किया है, तो पूरी नींद किस अर्थ में ये विषय में खुलासा करने जा रहा हूं। तो इसके लिए कहा पूरी नींद मतलब शर्मंद का परिचय नहीं है। एक तरफ शर्मंद का परिचय क्यों नहीं है? तारतम नहीं है। तो ब्रजमंडल में एक तरफ तारतम न होने से शर्मंद का परिचय नहीं है, और दूसरी तरफ से देखे तो संसार की मर्यादा का बंधन है ना, ये संसार की मर्यादा का बंधन भी नहीं छूटा है। अंकुर के बल पर श्री कृष्ण जी के प्रति कुर्बान है, प्रेम है, समर्पित है, परंतु देखिए तो ब्रजमंडल की अवस्था क्या, एकदम खुल्लम खुल्ला जाकर के श्री कृष्ण जी से मिलना, बातें करना, उनके साथ में लीला करना, ये संभव हो रहा है? नहीं। पूरा संसार का मर्यादा का बंधन है यहां। इसीलिए श्री कृष्ण जी से मिलने जाते हैं तो कैसे? कुछ कुछ बहाना बना करके, दही माखन बेचने के लिए जाने की बहाना, जल भरने के लिए जाने की बहाना, कुछ कुछ बहाना के द्वारा श्री कृष्ण जी से मिलना होता है। और जितने समय मिल करके उनका दर्शन किया, कुछ आनंद लिया, बस उसी को याद करके आत्माएं उसी में मदमस्त रहते हैं। कहने का अर्थ सार रूप में कहो तो ये संसार की मर्यादा को भी छोड़ नहीं सका है सके उन्हें। इसीलिए ये ब्रजमंडल की अवस्था को पूरी नींद कहा, और पूरी नींद को ही हमने घोर नींद शब्द प्रयोग किया। किस अर्थ में ब्रजमंडल की अवस्था घोर नींद अथवा पूरी नींद? उसके लिए कहा तारतम न होने से सन्मंद का परिचय भी नहीं है, और ये संसार का मर्यादा भी छोड़ नहीं सका है। तो दोनों तरफ से अधूरा है, इसीलिए ब्रज के अवस्था को पूरी नींद अथवा घोर नींद कहा है। इसीलिए यहां पूरी नींद में सब बिसरे, पूरा निद्रा की अवस्था, ब्रज के अवस्था में आत्माओं ने सब कुछ भूल गया। अब यहां चौपाई में तो ब्रज के अवस्था को ही पूरी नींद करके इतना ही आया है, लेकिन मैं बोल रहा हूं इसी को आधार बना करके रास योगमाया का ब्रह्मांड, उसके लिए हमने कहा स्वप्ना अवस्था, और तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड ये जागृत अवस्था। तो इसी में हम ये भी चिंतन करें कि रास को स्वप्ना का अवस्था कहा,
किस अर्थ में? रास की प्रसंग आगे आने वाला है और उसके पश्चात फिर जागनी की ब्रह्मांड की प्रसंग आने वाला है, परंतु यहां ब्रज, रास और जागनी को एक साथ में घोर नींद यानी कि पूरी नींद और स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था करके चिंतन कर रहे हैं, तो इसको मैं एक ही बार सार रूप में समेटने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए ब्रजमंडल घोर नींद अथवा पूरी नींद किस अर्थ में, ये हमने चर्चा किया। संबंध का परिचय भी नहीं है, संसार भी नहीं छूटा है। अब रास, योग माया का ब्रह्मांड के अंदर जो लीला हुई, ये स्वप्नावस्था है। तो पहले तो स्वप्नावस्था का परिभाषा क्या है, तो कहा आधा नींद आधा जागृत अवस्था को स्वप्नावस्था कहा है। तो रास मंडल की स्थिति को देखें, आधा नींद है आधा जागृत है। तो रास में आधा नींद क्या है? रास में आधा नींद है संबंध का परिचय रास में भी नहीं है। जिस तरह से ब्रजमंडल में तारतम न होने से संबंध का परिचय नहीं है, इसी तरह से रास मंडल की अवस्था में भी तारतम की शुद्धि नहीं है, इसलिए संबंध का परिचय नहीं है। इसलिए पहले जो चौपाय हमने जोड़ा वहां पर कहा ना, ब्रह्म सृष्टि होती ब्रज रास में प्रेम हो तो लक्ष्य बिना। ब्रज और रास दोनों ब्रह्मांड का नाम आए हैं यहां, और दोनों में प्रेम हो तो, प्रेम तो था परंतु लक्ष्य बिना शब्द प्रयोग किया है। इसका अर्थ रास में भी संबंध का पहचान नहीं है। ये है आधा नींद और रास में आधा जागृत है जो ब्रजमंडल में नहीं था। तो रास में आधा जागृत क्या है? यह है जैसे ही 11 वर्ष 52 दिन के संध्या में बंसी बजी, रास की तैयारी अवस्था में बंसी के नाद पर अपने अपने नाम सुनकर के सखियां, ये सारा संसार अथाह भवसागर को गौपद वत्स तुल्य मान करके ब्रह्मांड को पार करके आगे निकल गए। मतलब एक शब्द में कहूं तो संसार को पूरी तरह से छोड़ दिया। तो ब्रजमंडल के लिए हमने क्या कहा था, संबंध का परिचय भी नहीं है, संसार भी नहीं छूटा है, कहा था ना। तो इसीलिए ब्रजमंडल घोर नींद था, पूरी नींद था, लेकिन रास के लिए आधा नींद आधा जागृत कहा, स्वप्नावस्था। तो आधा नींद संबंध का परिचय न होना, आधा जागृत मतलब संसार को छोड़ दिया। रास के अंदर प्रवेश करते समय आत्माओं के हृदय में संसार का कोई लवलेश नहीं है। जो बात हम रास ग्रंथ के 5वां प्रकरण में प्राण्यह जी ने, जैसे ही बंसी बजी तो सखियां किस तरह से ये संसार भवसागर से निकल गए, ये प्रसंग के ऊपर चिंतन कराया है। उस प्रकरण को चिंतन करके भी हम समझ सकते हैं, और यहां से भी आगे बढ़ करके देखें तो रास ग्रंथ में ही उथला का प्रकरण है। मतलब जैसे सखियां योगमाया के वृंदावन के अंदर प्रवेश कर ही रहे थे, तो श्री कृष्ण जी ने वहां पर बहुत सारे सवाल किया है, मतलब वहां बहुत सवाल जवाब हुआ है। तो यहां के प्रसंग के द्वारा भी हम जान सकते हैं कि रास मंडल के अंदर प्रवेश करते समय आत्माओं के हृदय के अंदर संसार रत्ती भर भी नहीं था। तो संसार को पूरी तरह से ठुकरा दिया, मतलब परित्याग कर दिया। तो ये संसार को परित्याग करना ही आत्माओं की अवस्था आधा जागृत अवस्था है, और संबंध का परिचय न होना आधा नींद अवस्था है। इसलिए रास की अवस्था को स्वप्न अवस्था इस अर्थ में बताया है। तो ब्रज घोर नींद यानी कि पूरी नींद, रास स्वप्न अवस्था, ये दोनों हमने चिंतन किया। अब तीसरे जागनी के ब्रह्मांड, जागनी के ब्रह्मांड को पूरा जागृत बताया है। क्यों? यहां जागने के ब्रह्मांड में तो
तारतम अवतरण हुआ है। अब तारतम के द्वारा आत्मा को पूरी तरह से पहचान दिलाया है कि मैं आत्मा परमधाम की आत्मा हूं, राज्य की अंगना हूं, मेरे धनी प्रियतम परमात्मा श्री राज्य है, मेरा घर परमधाम है, मैं ये संसार जगन्नाटक खेल देखने के लिए आई हूं, इस विषय में कोई संदेह नहीं है। तो ये सन्मंद का पूरा पहचान होना एक तरफ, और दूसरी तरफ संसार को भी पूरी तरह से छुड़ा दिया है। तारतम के द्वारा एक लक्ष्य तय होने के बाद, सन्मंद का पूर्ण पहचान होने के बाद, उस आत्मा के हृदय में संसार कुछ नहीं रहता है, जिसके लिए प्रेरण जी वाणी में क्या कहते हैं, सन्मंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए, अब छल बल मोहे कहा करे, मोह आदत ही दियो उड़ाए। प्रियतम परमात्मा अक्षरातीत धनी के साथ में मूल सन्मंद तय होने के बाद ये आत्मा कहती है, अब छल का बल मुझे क्या कर सकता है, मोह को तो मैंने आद से यानी कि शुरू से ही उड़ा दिया हूं। तारतम के द्वारा सन्मंद का पहचान दृढ़ होने के बाद, आत्मा जागृत होने के बाद, ये संसार उनको बिल्कुल ही अगण्य होता है, संसार अपने आप छोड़ जाता है। देख्या सातों सागर, देख्या सातों लोक, पातल सातों देखिया, जागिया पीछे सब फोक। तो इस तरह से जागने के ब्रह्मांड में तारतम ने पूरी तरह से सन्मंद का भी परिचय दिलाया और संसार को भी छुड़ा दिया। यह है आत्मा की पूर्ण जागृत अवस्था। और जागने की अवस्था यानी कि जागृत लीला के लिए तो कहा, अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की इन चारों को यामे भोग। जागनी की रास में तो तीन लीला, ब्रज रास और जागनी की ब्रज, और चौथी घर की परमधाम की लीला को भी यहां अनुभव करना है। ये जागनी की पूर्ण प्रकाश है। समझ में आई बात? तो इस तरह से तीन ब्रह्मांड, ब्रज कालमाया का ब्रह्मांड पूरी नींद, रास योगमाया का ब्रह्मांड स्वप्न, और जागनी जागनी का ब्रह्मांड पूर्ण जागृत अवस्था। आत्माओं की ये तीन अवस्था है। उसमें से ब्रज लीला के संदर्भ में यहां पर बात हो रही है, जिसको कालमाया का ब्रह्मांड कहा। और वैसे कालमाया के ब्रह्मांड में उन्हीं की दर्जा से देखते समय कालमाया में विलास जो करे, विलास किया, आनंद है, ब्रज की ही दर्जा से देखे तो वो आनंद में कोई कमी नहीं है। लेकिन महाकारण दृष्टि से और जागने के ब्रह्मांड में तारतम की दृष्टि से देखने पर यहां बता रहे हैं, सो पूरी नींद में सब विसरे। ब्रज की ये पूरी नींद की अवस्था में आत्माओं ने सब कुछ भूल गया। पूरी नींद को जो सुपर्ण, इसके लिए जैसे हमने पहले ही कहा, पूरी नींद मतलब ब्रजमंडल के आत्माओं की अवस्था पूरी नींद है। और जो सुपर्ण शब्द प्रयोग किया, तो यहां सुपर्ण शब्द आने का अर्थ, जैसे मैंने पहले ही कहा, अक्षर ब्रह्म के स्वप्निक सृष्टि के अंदर ये लीला हो रही है, अथवा परमधाम से आत्माएं खेल में जिस तरह से स्वप्न देखते हैं उसी तरह से आए हैं, उस अर्थ में ये सुपर्ण पूरी नींद को जो सुपर्ण काल माया नाम धराय तीन, इसीलिए ये ब्रजमंडल की लीला को, ये पूरी नींद की लीला को काल माया नाम धराया है। तो इस तरह से ये 26 नंबर चौपाय का भाव भी प्रण जी ने चिंतन कराया। ठीक है, तो उसके बाद फिर अब आगे ये पूरी नींद में भूलने पर फिर धामधनी किस तरह से आत्माओं को ये निद्रा को हटा देते हैं, ये ब्रज की अवस्था को वर्णन करके फिर आगे रास के अंदर की प्रसंग की तरफ प्रस्थान करते हैं। लेकिन आज का हमारा समय पूरा हुआ, इसीलिए मैं ये चौपाय नंबर 26 को ही दोहरा करके आज के प्रसंगों को विश्राम देता हूँ। फिर अगली बैठक में 27 नंबर चौपाय से आगे बढ़ेंगे। ये काल माया में विलास जो करे, ये काल माया में विलास जो करे,
सो पूरी निद में सब विसारे, पूरी निद को जो सुपना, काल माया नाम धराया तीन, काल माया नाम धराया तीन। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।